प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। इस वीडियो में जानेंगे कि यहोशू को परमेश्वर की क्या आज्ञा मिली, आइए जानते हैं। ये वचन पुराने नियम की छठवीं पुस्तक यहोशू अध्याय 1:1-9 तक में बताया गया है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, जंगल और उस लबलोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा।